Welcome to Sun Mars Education. You are in the world of Technical Zone. Enjoy and subscribe this channel. Hello friend, कैसे हो? हमारी ये चैनल पे आपका स्वागत है. आज हम लोग बनाएंगे साइक्लोइड. और साइक्लोइड में भी एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड. तो आज हम लोग जो बनाएंगे दैट इज एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड. एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड हमको जो दो रेडियस दी गई हुई है दैट इज हमको जो है डायरेक्टिंग सर्कल का जो डायामीटर है डायरेक्टिंग सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 150 है डायमीटर. और जनरेटिंग सर्कल का जो डायमीटर है उसका है 50. सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको थीटा फाइंड करना पड़ेगा. थीटा इज नथिंग बट एंगल सबस्टेंडेड बाय कर्व. एंगल सबस्टेंडेड बाय कर्व in one revolution is equal to 360 multiplied by t divided by capital is equal to 360 multiplied by 50 divided by 150 is equal to हमारा जो एंगल रहेगा that is equal to 120. तो दोस्तों हमारा जो ये एंगल है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो हमारा जो कर्व है वो कर्व का जो एंगल रहेगा दैट इज इक्वल टू 120. चलो देखते हैं हम लोग किस तरह से ये बना सकते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही जो एंगल है वो एंगल आपको बनाना है. तो यहां से एक लाइन बनेगी, फिर अगर मैं ये पॉइंट से कर्व ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा ये डायामीटर है तो मुझे रेडियस दोनों का जो रेडियस है तो दोनों का रेडियस मेरा बन जाएगा 1r इज इक्वल टू 25 एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 75 और मेरा जो एंगल रहेगा दैट इज इक्वल टू 120. अब मैं यहां से क्या करूंगा, 120 का एंगल लूंगा, यानी कि इनर मेरा जो एंगल होगा वो 120 रहेगा, यानी कि यहां से मेरा 30 मैंने मार्क किया और यहां से भी मुझे 30 मार्क करना पड़ेगा, ये मेरा 90 है. तो ऐसे दो एंगल्स बनेंगे. इसका जो अंदर वाला पोर्शन रहेगा दैट इज इक्वल टू 120, यानी ये जो पर्टिकुलर एंगल बन गया दैट इज इक्वल टू 120. अब हमको क्या करना है, 120 का जो एंगल है वो रख के पहला जो मेरा रेडियस बनेगा दैट इज इक्वल टू 75. तो यहां से मैंने 75 का आर्क लिया, 75 तो मेरा पहला जो आर्क बनेगा दैट इज इक्वल टू 75 इस तरह से. दूसरा मेरा जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 25 और वो मुझे बनाना है बाहर की तरफ. तो पहली मेरी जो रहेगी रेडियस सर्कल वो मैंने बाहर बनाया और उसका जो रेडियस था दैट इज इक्वल टू 25. अब मेरा क्या रहेगा कि यहाँ पे मुझे उसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे ये सर्कल के. यहाँ से मैंने 90 के एंगल्स बनाए. दोस्तों ये आपको याद रखना है, जब आप उसके डिवीजन करते हो ऊपर वाली सर्कल का तो पहला जो सर्कल का दो पार्ट्स हुआ ये रेफरेंस में होगा, उसके बाद आपको सारे नंबरिंग करने हैं. अब दोस्तों क्या होगा, ये जो सर्कल है ये पर्टिकुलर पाथ है, ये पाथ के ऊपर यहाँ से ये रिवॉल्व होगा, यानी कि ये जो है यहाँ पे पहले टच होगा तो मेरा नंबरिंग होगा यहाँ से. मेरा पहला नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. अगर मैंने इसके 8 डिवीजन किए तो ये जो एंगल है मेरा 120 उसको भी मुझे 8 इक्वल डिवीजन करना पड़ेगा. सबसे पहले मैंने ऊपर एक लाइन बना दी तो ये मेरे 120 के दो पोर्शंस कर दिए.
यानी कि ये मेरे पार्ट हुए दो पार्ट्स। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं सारे 120 डिवाइडेड बाय अगर मैं 8 करता हूँ तो मेरा सारे एंगल्स आएगा 15। तो मैंने 15 पे एक मार्क किया, फिर 15, फिर मैंने 15 पे मार्क किया। सिमिलरली ऐसे करते करते मैंने 15 वाले सारे मार्किंग यहाँ पे कर दी। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आर्किंग करेंगे सबके। यहाँ से मैंने एक आर्क किया, 7 पे लगाया, फिर मेरा है 7 और 1 से पास होता हुआ एक लाइन यहाँ। अभी ये जो पार्ट से जो सेंटर वाली लाइन यानी कि सी वाला सेंटर है, यहाँ से ये निकला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे को मैं मार्किंग करता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमको यहाँ से आर्क लगानी है। जैसे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 6, सेंटर 7 और सेंटर 8। अब दोस्तों हमको जो आर्क है वो आर्क अच्छी तरह से लगानी पड़ेगी जितनी भी है वो, और यहाँ से मेरा जो आर्किंग रहेगा दैट इज इक्वल टू 25। पहले आप क्या करोगे, C1 पे रखोगे और 1 में से जो पास होती हुई लाइन है वहाँ पे एक आर्क लगाओगे। उसके बाद C2 पे रखोगे, C2 वाली लाइन पे आर्क लगाओगे। C3 पे रखोगे, 3 वाली लाइन पे आप आर्क लगाओगे। 4 वाला लाइन आपका यहाँ पे ही आएगा। C5 पे लगाओगे तो 5th वाला लाइन यहाँ पे, C6 तो 6 वाला नंबर आपका यहाँ पे होगा, C7 तो C7 वाला लाइन यहाँ पे होगा और 8th वाला नंबर आपका यहाँ पे। अब जितने भी पॉइंट्स आपको है मिल गए वो सारे पॉइंट्स मैं लोकेट करता हूँ। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, एक यहाँ पे मिला, एक मेरा यहाँ पे मिल गया है, एक मेरा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ये सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो आई विल गेट अ कर्व लाइक दिस। ये कर्व आपको फ्री हैंड बनाना है तो बहुत अच्छी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो कर्व मेरा बन गया है, तो दिस कर्व इज नोन एज अ एपिसाइक्लॉइड। अब हम लोग देखते हैं उसका नॉर्मल और टेंजेंट किस तरह से बनता है। तो एपिसाइक्लॉइड का नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी ओरिजिनल जो रेडियस थी मेरी 25। जो पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वहां से आप सेंटर वाली जो लाइन है वहीं पे मार्किंग करो। यानी कि पहला मेरा जो स्टेप था वो सेंटर वाली लाइन पे मैंने मार्किंग किया यहाँ पे, ये मेरा स्टेप नंबर 1 था। ये लाइन और ये बॉटम वाला सेंटर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो लाइन को आप ज्वाइन करो, ये मेरा स्टेप नंबर 2 हुआ। ये जो पाथ है जहाँ पे ये पॉइंट आपका कट होता है, ये पॉइंट और जहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना है इसको ज्वाइन कर लो, ये आपका बन जाएगा सीधा नॉर्मल। और ये मेरा रहा स्टेप नंबर 3। और ये नॉर्मल को परपेंडिकुलर लाइन जैसे आप बनाते हो तो यू विल गेट अ टेंजेंट। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट एपिसाइक्लॉइड में बनाते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 4। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने पहले एक आर्क बनाया स्टेप नंबर 1, यहाँ से मैंने ये ज्वाइन किया दैट इज स्टेप नंबर 2। ये लाइन हमारा जो सर्कल को जहाँ पे ज्वाइन की, जहाँ से नॉर्मल बनाना वो लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, वो मिल गया नॉर्मल और उसको परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने बनाई दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। दोस्तों इस तरह से हम लोग एपिसाइक्लॉइड बना सकते हैं। हाँ दोस्तों अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग हाइपोसाइक्लॉइड बना सकते हैं। हम लोग इसी कर्व पे बनाएंगे कि हाइपोसाइक्लॉइड, क्योंकि आधा काम तो हमारा हो चुका है। हाइपोसाइक्लॉइड जो है, हाइपोसाइक्लॉइड की जो हमारे जो बाहर वाली जो रेडियस है, जो डायरेक्शन देता है, उसका जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू 150 एंड जो सर्कल यहाँ पे रोटेट होगा उसका डायामीटर हमको दिया है 50, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 25। तो सबसे पहले मेरी 25 की रेडियस लेके मैं यहाँ से नीचे करके एक आर्क लगाऊंगा, यानी कि मेरा सर्कल अभी नीचे रिवॉल्व होने वाला है, तो यहाँ से मेरा सर्कल बन जाएगा। जैसे मैंने सर्कल बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे उसके 8 इक्वल डिविजन्स करेंगे।
अब आपको यहाँ पे आर्क लगानी, जैसे हमने ऊपर आर्क लगाई थी, ऊपर आर्क लगाई थी इसी तरह से। लेट से फोर पे हमने पहले से स्टार्ट किया, तो फोर पे हमने एक आर्क लगा दी। उसके बाद आपको लगानी है फिफ्थ पे आर्क, तो फिफ्थ पे आपका आर्क कैसे बनेगा, तो जो जाएगा थ्री में से अंदर, तो पाँच और तीन दो में से पास होता हुआ लाइन। अब जो सेंटर पे हमने जो पॉइंट लगाया, तो सेंटर वाली लाइन जो मेरी थी वो यहाँ पे थी, ये मेरा सेंटर है। ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज सी वन, ये है सी टू, ये है मेरा सी थ्री, यहाँ से है सी फोर, यहाँ से सी फाइव, यहाँ से सी सिक्स, यहाँ से सी सेवन और ये जगह पे मिल जाएगा सी एट। अब ये मेरी जो ओरिजिनल आर्क है वो आर्क यहाँ से मैंने ले ली, तो आर्क लेने के बाद मेरा सी वन से होगा, सी वन पे जो वन वाला लाइन है वहाँ पे मेरा आर्किंग होगा, सी टू से मेरा टू वाला जो लाइन है यहाँ पे आर्क होगा, सी थ्री से मेरा थ्री वाला लाइन है यहाँ पे आर्क होगा, सी फोर से मेरा सी फोर यानी यहाँ पे होगा एक्जैक्टली, सी फाइव से मेरा जो आर्क बनेगा वो फाइव नंबर की रेडियस पे, सी सिक्स वाला होगा सिक्स नंबर वाली जो लाइन है वहाँ पे, सी सेवन हो जाएगा मेरा सेवन नंबर पे और सी एट मेरा हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि जितने भी पॉइंट्स मुझे मिल गए वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं डार्क करता हूँ तो एक नंबर का पॉइंट मुझे यहाँ मिला, सेकंड, थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया तो आई विल कट ए कर्व लाइक दिस, दिस इज अ कंप्लीट यू कैन से हाइपोसाइक्लोइड। ये जो पर्टिकुलर कर्व हमको मिल गया दैट इज नोन एज अ हाइपोसाइक्लोइड। दोस्तों ये कर्व कभी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, तो कभी भी मत सोचो कि ये कर्व का ऐसा शेप क्यों आया, क्योंकि ये पॉसिबल है कभी स्ट्रेट लाइन भी हो जाए। अब हमको ड्रॉ करना है ये कर्व के ऊपर नॉर्मल एंड टेंजेंट। अब नॉर्मल एंड टेंजेंट बनाने के लिए अगर मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूँ मेरा, चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ पे मुझे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, तो नॉर्मल टेंजेंट बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे, ओरिजिनली जो 25 की रेडियस है 25 की रेडियस लोगे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वो सेंटर पे आप बनाओ, सेंटर वाली लाइन है वहाँ पे आप टच करो, यानी कि सबसे पहली जो लाइन होगी आपकी यहाँ पे, ये सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पे आपने एक आर्क लगाया, यानी कि ये जो लाइन आपका बना ये स्टेप नंबर वन है। उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये जो यहाँ से हमारा शुरुआत हमने किया था दोनों का रेडियस का, वो पॉइंट और ये पॉइंट आप ज्वाइन कर लो और एक्सटेंड करो अप टू द पाथ। तो ये यहाँ पे पाथ तक आप ज्वाइन करो, ये आपका पाथ है, पाथ के ऊपर आपको यहाँ पे कट किया, ये मेरा दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एक आर्क यहाँ पे लगा दिया, ये है मेरा स्टेप नंबर वन, फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मिला उससे मैंने ये पॉइंट से ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया अप टू द पाथ, दिस इज अ पाथ, ये मेरा हो जाएगा स्टेप नंबर टू। फिर ये जो पॉइंट मिला और जहाँ पे हमको नॉर्मल बनाना है, सिंपली मैं अगर उसको ज्वाइन कर लेता हूँ इट विल गिव यू डायरेक्टली नॉर्मल, तो मेरा स्टेप नंबर थ्री रहा। और फिर ये जो नॉर्मल है मेरा उससे अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया वो मुझे देगा टेंजेंट, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन और ये मेरा है टेंजेंट स्टेप नंबर फोर। फिर से एक बार स्टेप नंबर वन, यहाँ से मैंने आर्क लगाया, फिर यहाँ से ये पॉइंट को ज्वाइन किया स्टेप नंबर टू, जहाँ से ये पाथ था, पाथ के वहाँ से मैंने ये पर्टिकुलर कर्व पे लाइन बनाई दैट इज नॉर्मल, और ये नॉर्मल को मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाया दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग हाइपोसाइक्लोइड बना सकते हैं। तो इपीसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड बनाने के लिए हमको इसी तरह का मेथड यूज करके ये साइक्लोइड बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपसे आप ये चैनल देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मजा उठाइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट बहुत इजी है अगर आप ये चैनल फॉलो करोगे।